घरों और इमारतों की मजबूती, खूबसूरती, आन बान और शान मकीनों से होती है। जब तक मकीन होते हैं, इमारत आबाद रहती है, गोया के जिंदा रहती है। और अगर किसी इमारत से उसके मकीन छीन लिए जाएं, तो वो सुनसान हो जाती है। वही मौसम, वही हवाएं और वही दिन रात, मगर बिन मकीनों के वो इमारत कुछ अरसे बाद यूं और फिर यूं हो जाती है। और रफ्ता रफ्ता वो आबाद इमारत, वो जिंदा इमारत बर्बाद हो जाती है, मर जाती है। मेरी कहानी भी कुछ यूं ही है। कभी कभी सोचता हूं कि ये शेर मेरे लिए ही कहा गया है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा माजी इतना पुरकशिश, इतना हसीन और ऐसा ताबनाक कि जिसकी ताब आस पास के मुल्क भी नहीं ला सकते थे, जिसके मकीनों की हुनरमंदी के चर्चे दुनिया भर में मशहूर थे। मुझे इन मकीनों की वजह से ऐसा मकाम मिला कि मैं मगरूर होता तो भी बचा था, मगर मैंने गुरूर नहीं किया। हाँ, फख्र से सर बुलंद रहा। ऐसे मकीन किसे नसीब हुए होंगे कि खुद तो इस जहान फानी से चले गए, मगर मेरे कायम रहने के लिए कोई नया मकीन छोड़ जाते। इन मकीनों ने मेरी सर बुलंदी के लिए अपने प्यारों के जनाजे तक छोड़े, ताकि मैं वक्त से पीछे न रह सकूं। मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले यहां प्यार की बोली बोलते, न जाने किसकी नजर लग गई। ऐसा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मेरे मकीन छीन लिए गए, रास्ते उन पर बंद कर दिए गए। मेरे मकीन भी मुझसे निकलकर तपते सूरज के नीचे बेसायबान पड़े हुए हैं, और मैं भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा हूं। खुदारा खुदारा मुझे और मेरे मकीनों को बचाया जाए। मैं इतना बेकस और लाचार कर दिया गया हूं, इतना नहीफ और नातवा हो चुका हूं कि मैं खुद टीवी स्टेशन होते हुए अपनी मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ।